दोस्तों आज जो है ऑफलाइन मार्केट का किंग कहे जाने वाला स्मार्टफोन एक नहीं तीन धमाकेदार स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जहां पे आपको धमाकेदार गेमिंग प्रोसेसर दिया जा रहा है मीडियाटेक हीलियो G95 और साथ ही साथ दोस्तों 64 मेगापिक्सल के साथ क्वाड कैमरा और 48 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया जा रहा है और 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ आपको मिलेगा 30 वाट का फास्ट चार्जर। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफलाइन मार्केट का किंग है। गेस करिए, वीडियो को आगे देखिए, हम बताने वाले हैं कब से आप जैसे स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है आज ही ऑफिशियली लॉन्च हुआ है और ये धमाकेदार स्मार्टफोन है, तहलका मचाने के लिए लॉन्च हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश सहगल और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल सहगल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ऑफलाइन मार्केट के किंग कहे जाने वाले स्मार्टफोन ओप्पो, वीवो, टेक्नो, जी हाँ टेक्नो भी ऑफलाइन मार्केट में काफ़ी सस्ती सीरीज में बिकता है और इसके स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं। और आपको बता दें, टेक्नो ने काफ़ी धमाकेदार स्मार्टफोन आज लॉन्च कर दिया है, टेक्नो कैमन 17 सीरीज, जहाँ पे तीन स्मार्टफोन लॉन्च हैं, टेक्नो कैमन 17, टेक्नो कैमन 17P, टेक्नो कैमन 17 प्रो। दोस्तों यहाँ पे तीनों ही स्मार्टफोन धमाकेदार लुक के साथ आते हैं और यहाँ पे दोस्तों इन तीनों स्मार्टफोन में डिफरेंस तो है। दोस्तों पहला जो स्मार्टफोन है टेक्नो कैमन 7, इस स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरे का सेगमेंट पीछे के साइड देखने को मिलता है और ट्रिपल रियर कैमरा दिया जा रहा है, 48 मेगापिक्सल के साथ ट्रिपल रियर कैमरा यहां पे आपको दिया जा रहा है। बाकी दोस्तों 17P में आपको 64 मेगापिक्सल के साथ क्वाड कैमरा है और वहीं आपका 17 प्रो में 64 मेगापिक्सल के साथ क्वाड कैमरा है। दोस्तों तीनों ही स्मार्टफोन में रियर पे फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों फ्रंट पे आते हैं, 6.8 इंच का यहाँ पे आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगा और 6.6 इंच का HD डिस्प्ले है और यहाँ पे जो HD डिस्प्ले है वो लेफ्ट में पंच होल का कैमरा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे सेल्फी कैमरा भी धमाकेदार है। जो टेक्नो कैमन 17 है इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का है, 17P में 16 मेगापिक्सल का, लेकिन 17 प्रो में आपको 48 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जा रहा है, धमाकेदार सेल्फी ली जा सकती है। और यहाँ पे दोस्तों अब बात करते हैं इनके प्रोसेसर की। तो यहाँ पे जो 17 है G85, 17P में G85, लेकिन दोस्तों 17 प्रो में G95 वाला प्रोसेसर दिया जा रहा है, धमाकेदार गेमिंग प्रोसेसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोस्तों ये जो 17 प्रो होगा 15,000 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगा और 17P जो है वो आपको 12,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा और 17 जो है 10,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों 4GB, 128GB, 6GB, 128GB के वेरिएंट में तीनों ही स्मार्टफोन आपको देखने को मिलते हैं और तीनों ही स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 देंगे। जी हाँ, एंड्रॉयड 11 आएगा, HiOS 7.6 का यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ 18 वाट का फास्ट चार्जर आपको 17 में दिया जा रहा है, 17P में दिया जा रहा है, लेकिन 17 प्रो में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ 25 वाट का चार्जर दिया जा रहा है। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है अभी केनिया में लॉन्च हुआ है। जी हाँ दोस्तों, टेक्नो कैमन 17 सीरीज, पूरी 17 सीरीज जो है केनिया में लॉन्च हुई है और यहाँ पे दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में भी बेताब है लॉन्च होने के लिए। यहाँ पे अभी दोस्तों केनिया में लॉन्च हुआ है और आपको बता दें जो इसकी प्राइस है, जो 17 प्रो है उसकी जो प्राइस है वो 15,000 रुपये के आसपास है और उसके बाद जो 17P है उसकी प्राइस है 12,000 के आसपास और जो 17 है वो 10,000 के आसपास इसकी प्राइस है। और यहाँ पे ये जो स्मार्टफोन है मई के
एंड में इंडिया में आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मई के एंड में आप इसे इंडिया में खरीद सकते हैं और एक काफ़ी बेहतरीन स्मार्टफोन है दोस्तों। 10,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे G85 का प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन और साथ ही साथ यहाँ पे 5000 एमएच की बड़ी बैटरी के साथ 18 वाट का चार्जर और यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल के साथ ट्रिपल रियर कैमरा, बैक की काफ़ी बेहतरीन डिजाइनिंग, बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन रहेगा अगर आपसे टेक्नो कैमन 17 खरीदते हैं तो। दोस्तों जैसे ये स्मार्टफोन आता है हम आपको बताएंगे कैसे आप इसे खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है दोस्तों। ये ऑफलाइन मार्केट में आएगा और आप अगर 10-12 हज़ार का स्मार्टफोन खरीदते हैं तो टेक्नो कैमन 17 आपके लिए बेहतर स्मार्टफोन रहेगा। दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, जैसे इंडिया में आता है हम आपको इत्तला कर देंगे। इस वीडियो को नहीं फिर मिलेंगे अपने अगले। दिस इज चैन, वंदे मातरम।